ये जो बिजनेस है एवरग्रीन बिजनेस है और रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। चाहे कितनी भी मंदी आ जाए आपका ये जो बिजनेस है कभी भी कम नहीं होने वाला है। चाहे किसी तरह का कोई कोरोना काल आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए, लेकिन खाने पीने वाला जो काम है कभी बंद नहीं होगा और खाना बनाना कोई छोड़ ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र ठिंगरा, मैं पंजाब के जिला पटियाला से नाभा से बिलोंग करता हूँ। 1951 से हमारे दादा ही ने डेयरी का काम शुरू किया था, जो जनता डेयरी के नाम से हमारे शहर में मशहूर है। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने काम बढ़ाया। समय के अनुसार मेरे को ऐसा लगा कि कुछ काम में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि हमारा घी और मक्खन तो हमारी सेल अच्छी चली रही थी, दूध का काम भी अच्छा चल रहा था। समय के अनुसार मेरे को लगा कि काम में कुछ ऐसी बढ़ोतरी की जाए कि लोगों को उस चीज़ को भी सही तरीके से दिया जाए। कंपनी धड़ल्ले से गलत क्वालिटी का माल उनको दे रही है, जिससे कि सभी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था उसका। और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का अगर सही मायने में बताऊँ कि डिमांड इतनी है कि सप्लाई तो आप जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, पर आपके पास डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी और आप इतनी कमाई कर सकते हैं कि आप अपना ही नहीं अपने आने वाली चार पीढ़ियों को भी अच्छा भरपेट खाना खिला सकते हैं। ये जो आइटम है दोस्तों FMCG में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है, जो कि डेली कंज्यूम किया जाता है और डेली खत्म होता है। तो जहाँ पर डेली खत्म होगा तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। सर बता रहे थे कि इनके कंप्यूटर भी और भी आ जाएंगे, तब भी इनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका जो ब्रांड है वो नामी ग्रामी ब्रांड बन चुका है। 8 से 9 महीने मेरे को काम शुरू किए हुए हैं और मैं इतनी तसल्ली से कह सकता हूँ कि मैंने जो 9 महीने पहले डिसीजन लिया था भारत एग्रीटेक की मशीन लेने का, वो आज मैं सही और दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बहुत सही डिसीजन रहा है, जिससे कि मेरा काम भी अच्छा चल रहा है और मशीन ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए एक सफल स्टोरी की तलाश में, एक सफलता की कहानी को लेकर के मैं पंजाब के नाभा में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक फैक्ट्री को लगाया गया है और फैक्ट्री को लगाने के साथ साथ में और भी कई सारे प्रोडक्ट में डील किया जाता है। तो किस तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स किए और इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आखिरकार ये जो बिजनेस है वो कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में 2008 में इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था और वो पार्टनरशिप ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनरशिप ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है, आखिरकार मतलब खुद ही बिजनेस में उतरना पड़ता है अकेले को। तो इन्होंने क्या किया कि 2010 तक इन्होंने पार्टनरशिप निभाई, उसके बाद इनका एक पुराना पूर्वजों का काम चलता आ रहा है 1951 से, उस काम को ये बढ़ाते हुए अभी तक उस काम को करते ही जा रहे हैं। साथ में एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्होंने डील किया जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस चीज़ को ज़रूरत को समझते हुए उस फैक्ट्री को इन्होंने खोल डाला और आज ये उस मशीन से बहुत अच्छी जो रकम है वो कमा पाते हैं। वो उस बिज़नेस को तो इस दुकान में कर ही रहे हैं, साथ में इनका जो पूर्वजों का काम चलता आ रहा है उस काम को भी ये कर रहे हैं। तो किस तरीके से इन्होंने काम स्टार्ट किया, इन्हीं की एक बार जुबानी सुन लेते हैं। तो सर ये बताइए कि आखिरकार जो आपका जो पूर्वजों का काम चलता आ रहा था वह बता रहे कि डेयरी का प्रोडक्ट था, तो जो डेयरी के आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, डेयरी तो हम देसी घी में काम करते हैं, हमारा गाय का घी होता है और उसके बाद हमारा मक्खन होता है, क्रीम होती है और दूध होता है हमारा। अच्छा। तो वो तो हमारा काम चल ही रहा था 1951 से, जैसे कि हमारे दादाजी ने काम शुरू किया, फिर मेरे पिताजी ने संभाला उसको काम को, तो उसके बाद मैंने संभाला। तो मेरे को लगा कि उस काम के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए प्रोडक्ट की डिमांड को हम कभी पूरा ना कर पाएं और हमारे पास सप्लाई उसकी बनी रहे, तो मैंने उसी के मद्देनज़र इस काम को शुरू किया। तो थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, अगर उस फैक्ट्री सेटअप को अगर आपने लगा रखा है तो उस सिर्फ उस फैक्ट्री सेटअप से ही आप कितना कुछ आपकी प्रोडक्शन हो जाती है और कितनी सेल हो जाती है और कितना कुछ कमा लेते हैं आप? देखिए, कमाई का तो ऐसा है कि कई बार तो ऐसे दिन आते हैं, जैसे भी दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिनों में तो ऐसा रहता है कि डिमांड हमारे पास इतनी रहती है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा। और कस्टमर को कई बार हमें वेटिंग में भी रहना पड़ता है। अच्छा। और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि कई बार हमें कस्टमर की वेट करनी पड़ती है, हमारे पास माल पड़ा रहता है। अच्छा। पर मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा ही रहा है कि हमारे पास माल बना रहा है और उससे ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आ रहा है। अच्छा, तो फाइनली बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि जैसा कि आपने बताया कि डेयरी के प्रोडक्ट्स जो आपके पास कस्टमर्स को लेने आते हैं वो भी डेली कंज्यूम करने का आइटम होता है, तो आपने देखा कि वो तो क्वालिटी आप दे ही पा रहे हैं क्योंकि 1951 से आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी में भी कुछ ना कुछ कारण होगा तभी वो आगे चल पा रहा है। तो आपने सोचा कि उसी तरह का कोई ऐसी ही क्वालिटी और भी मार्केट में उतारी जाए, तो मतलब फाइनली आपने ऑयल एक्सप्लोरर का बिजनेस खोल लिया। तो इसमें क्या मतलब ऐसी क्या खास बात है इस ऑयल में सर? देखिए, जैसे कि हमारा शुरू से काम रहा है कि हम देसी घी में डील करते रहे हैं, तो हमें शुरू से पता था कि अगर अच्छी चीज़ कस्टमर को देंगे तो कस्टमर उसको पसंद करता है। अच्छा। तो उसी के मद्देनज़र मैंने देखा कि हम जैसे हमारे फार्मर हैं भाई हैं, तो देसी घी तो उनके घर में बहुत है, पर ये हमेशा खलती रही है कमी हमें कि पंजाब में इतने अच्छे दूध और इतने अच्छे घी के बावजूद भी हमारा पंजाब कैंसर और ब्लड प्रेशर का हब बन रहा है। अच्छा। तो मैंने देखा, मार्केट का सर्वे किया कि यहाँ पे जितना भी तेल बिक रहा है बाज़ार में, जैसे सरसों का तेल है, तो उसमें मिलावट की जा रही है और बहुत धड़ल्ले से उसको गलत तरीके से बेचा जा रहा है। अच्छा। रिफाइंड ऑयल लोगों को इतना अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करके परोसा गया है कि जैसे वो अमृत हो, पर जबकि हमें भी मालूम है कि वो एक बहुत अव्वल दर्जे का जहर है। अच्छा। तो इसी के मद्देनज़र मैंने अपनी रिसर्च शुरू की
कि देसी घी के साथ ऐसा क्या दिया जाए लोगों को कि जैसे उनकी सेहत अच्छी बन पाए। तो मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाई, तो जिससे कि मुझे पता लगा कि इसकी तेल की जो गुणवत्ता है वो तो बढ़िया रहती ही रहती है, और अगर इसको लोग खाते हैं तो उनकी सेहत को भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक पूरा पैम्फलेट लगा रखा है जिसपे हमने पूरी तरीके से ये क्लियर कर रखा है कि कोल्ड प्रेस ऑयल के क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बादाम रोगन के फ़ायदे देख सकते हैं, तो यो उसके बाद कोकोनट ऑयल के फ़ायदे देख सकते हैं, फिर तिल के तेल के फ़ायदे हमने बता रखे हैं, मस्टर्ड ऑयल है और येलो मस्टर्ड ऑयल है हमारा, और उसके बाद क्रोंजी ऑयल है। तो ये वो चीज़ें जो हमने अपने तजर्बे से और अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं कि क्या क्या फ़ायदे हमारे ग्राहकों को इन चीज़ों से मिल रहे हैं। देखिए, अगर कोल्ड प्रेस के बिना आप तेल खा रहे हैं तो आप सिर्फ तेल ही खा रहे हैं, क्योंकि जो तेल की गुणवत्ता है, जो तेल आपके शरीर को फ़ायदा देना चाहता है, वो आपके शरीर को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्सपेलर से तेल निकलने के बाद वो सिर्फ तेल रह जाता है, उसकी गुणवत्ता सारी खत्म हो जाती है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल, तो कोल्ड में और जो हीटिंग प्रोसेस से निकलता है उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, जैसे कि पुराने एक्सपेलर चलते आ रहे हैं, हमारा लुधियाना भी हब रहा है, हमारे से बिल्कुल 50 किलोमीटर दूरी पर लुधियाना है, तो वहाँ पर एक्सपेलर बहुत बढ़िया क्वालिटी के बन रहे हैं। पर एक्सपेलर की दिक्कत ये रहती है कि जब उसमें से तेल निकलता है ना, तो उसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री चला जाता है, जिससे कि तेल की सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तेल एक बार गर्म हो गया तो उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सारी जीरो हो गई। अच्छा। तो इसी के रिगार्डिंग जब मैंने R&D की, अब रिसर्च की अपनी सारी, तो मेरे को पता लगा कि लातूर में भारत एग्रीटेक की मशीन बन रही है, तो उनकी मशीन जो तेल निकल रहा है वो वैसे ही निकल रहा है जो हमारे पूर्वज बैल वाला तेल निकाल के खाया करते थे। अच्छा। यानी कि जब उसका तेल निकलता है तो नॉर्मली हम लगा के चलिए कि रूम टेम्परेचर भी तेल आ रहा है, 40-50 डिग्री के ऊपर उसका टेम्परेचर कभी जा ही नहीं रहा है। तो लातूर गया, उनके पास मशीन देखी, अपनी पूरी तसल्ली की, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसी प्रोडक्ट का काम किया जाए, क्योंकि सेहत तो बनेगी बनेगी और दो पैसे हमें भी कमाने को मिलेंगे। देखो, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है, ये जो आप मशीन मैं देख पा रहा हूँ वो लाखों रुपए आपने खर्च किए होंगे, तो कोई भी इंसान अगर लाखों रुपए खर्च करता है तो बहुत ही सोच समझ के करता है। तो ऐसी ही मशीन बनाने वाले और भी लोग आपको मिल सकते हैं, आपने और भी वीडियोज़ वगैरह देखी होगी या फिर उनकी जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, महाराष्ट्र में लातूर में है और आप पंजाब के नाभा से बोल रहे हैं, तो इतनी दूर रीच तो जाहिर सी बात है इतना आसानी से होगा नहीं। तो आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत सारे लोगों से मिला होगा आपने, तो आपने भारत एग्रीटेक को ही क्यों चुना सर? देखिए, जैसे कोरोना काल आया 2020 से मैंने इस चीज़ की रिसर्च शुरू की, तो 2 से 2.5 साल मैंने तकरीबन इस मशीन को रिसर्च किया, और उसके बाद मैंने ये भी जाना कि मेरे काम करने के बाद मेरे बाद में हज़ारों कंप्यूटर भी आ जाएंगे तो भी मेरी सप्लाई चेन और मेरी डिमांड चेन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी चीज़ की डिमांड इतनी है कि कोई भी एज अ होल इसको पूरा नहीं कर पाएगा जब तक आप क्वालिटी दे रहे हैं। तो मेरा शुरू से एक ही मोटिव रहा है कि मैं सही तेल बेचूँ, चाहे दाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए उसकी मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा आजकल कि उसको महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, उसको सिर्फ क्वालिटी चाहिए। तो जैसा कि ऑनलाइन में भी हमने देखा कि हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर होकर तेल बिक रहा है, तो मैंने ये सोचा कि हम तेल तो अच्छा देंगे देंगे पर किफ़ायती दाम में देंगे, ताकि हर एक की रीच में हमारा तेल आए, और जिसका मेरे को बहुत अच्छे से रिस्पांस भी मिला है और मेरे को अच्छे से सेल भी मिल रही है उसकी। कस्टमर का भी आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ, जो कि सर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो इनके पास आए हुए थे, तो मैं भी फीडबैक देना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा बताएंगे कि सर के साथ कब से जुड़े हुए हैं और इनके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे तो हम बहुत ज़्यादा सालों से जानते हैं। अच्छा। और ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये ऑयल मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छा, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लगे। पहले मैं नॉर्मल जैसे कि है ना लोकल ब्रांड्स के ऑयल यूज़ करती थी, पर इतना ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे कभी हुआ नहीं। इसमें कुछ भी मतलब अगर बनाते हैं तो वो भी सही रहता है, और स्किन के लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही जो मुझे पहले करनी थी। बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, तो आप मतलब कैसे आए इनके पास, कॉन्टेक्ट कैसे हुआ, किसी ने बताया था या फिर खुद आए? हाँ, मतलब एक दिन वैसे ही कोई रैंडम बात चल रही थी, तो मैंने डिस्प्ले पे देखा कि मतलब लाइक ये ऑयल्स वगैरह हैं, तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, तो बोला कि ये बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। अच्छा। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप खुद ही रिजल्ट देखोगे, और वही मैंने किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब रिजल्ट मिला, जो ये बोल रहे थे, जो दावे कर रहे थे, जो वादे कर रहे थे, वो क्लियर हुए सब कुछ? बिल्कुल। सर, भारत एग्रीटेक से आपने कैसे कॉन्टैक्ट किया? आपके उनके और भी कॉम्पिटिटर वगैरह मिले होंगे, तो आपने उनमें मतलब क्या खास देखा, क्या सर्विस को लेकर के या फिर कोई जिस तरीके से वो सक्सेस स्टोरी भी बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रियां डाल रखी हैं, तो क्या देखा आपने? देखिए, जब मैंने मशीन के बारे में पता करना शुरू किया तो मैं यूपी में भी गया, मैं गुजरात भी गया, तो उसके बाद मेरा लातूर भी जाना हुआ, तो तीनों में मैंने एक ही फ़र्क देखा कि बाकी जो मशीन आ रही थी वो सारी चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रही थी। अच्छा। वो डिब्बा बंद मशीन आ रही थी और डिब्बा बंदी आपको दे रहे थे। अच्छा। तो लातूर में जब मैं मशीन देखने गया तो उन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाया मेरे को, सारे स्पेयर पार्ट दिखाए जहाँ उनके पड़े हैं,
और अपनी प्रॉपर उन्होंने सैंपलिंग और मेरे को पूरी डेमो दिखाई उन्होंने करके। अच्छा। पूरे मेरे सामने उन्होंने मशीन असेंबल की है। अच्छा। मेरे सामने तेल निकाला, उसकी क्वालिटी दिखाई मेरे को, जिसके बाद मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मैं जिन बंदों के पास मशीन लेने आया हूँ वो बिल्कुल सही और जेन्युइन है, जिसके बाद मैंने उनकी मशीन फाइनलाइज की। हमारा भी यही आप लोगों से राय रहती है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी नहीं होती 5-10 हज़ार की, अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी। अगर बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी तो आप ऐसे नहीं ऑनलाइन उनके अकाउंट में पेमेंट कर दें और मशीन आपके पास पहुंच जाएगी। मेरी राय यही है कि अपनी तरफ से हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी तरफ से आप उस लोकेशन पर ऑन द स्पॉट जाइए, वहाँ पर देखिए कि सच में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर सिर्फ मशीनें ही रखी हुई है और बता रहे हैं कि हमारा प्लांट वहाँ लगा हुआ है, जहाँ मैं बोल रहे हैं कि वहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ पर जाके एटलीस्ट आप चेक तो कीजिए कि सच में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो तभी वहाँ से आप मशीन लीजिए। क्योंकि जो हम पर मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें वहाँ पर बनाई जाती हैं तभी वहाँ पर जेन्युइन पार्ट्स डाले जाते हैं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ पार्ट्स कहाँ से मंगवाया, कुछ पार्ट्स कहाँ से मंगाया, असेंबल करके आपको दे दी, फिर वो टाइम से आपको सर्विस नहीं मिल पाती है। सर के साथ जुड़ के, भारत एग्रीटेक के साथ जुड़ के, शेखर सर के साथ जुड़ के, इनका काफ़ी साल को लगभग 5 साल से मैं सर को जानता हूँ, अभी तक किसी भी कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट नहीं रही है। लेकिन फिर भी मेरा ये आप लोगों से फीडबैक है कि जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें ऑन द स्पॉट वहां पर जाएं, मशीनें देखें, जांच पड़ताल के तभी आप इस बिजनेस में उतरें। तो सर मुझे ये बताइए कि आप तो अभी जो सरसों का तेल होता है वही निकालते हैं या फिर कितने तरह के सीड्स निकालते हैं, कितने तरह के बिजनेस करते हैं सर इस मशीन से? देखिए बेसिकली हम 6 तरह का तेल निकाल रहे हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, पीली सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल है, उसके बाद हमारे पास बादाम रोगन, कलौंजी का तेल और तिल का तेल। तो ये तो हमारे तेल 6 प्रकार के वो जो हम सीजनल पूरा साल बेचते हैं। उसके बाद मूंगफली का तेल हो गया और जैसे अलसी का तेल हो गया, तो वो हम सीजनल तौर पे रखते हैं सर्दियों में, तो उसकी सेल भी हमारे पास अच्छी रहती है। और बाकी ये 6 तेल तो हर प्रकार के जो हम निकाल रहे हैं हर समय हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कस्टमर की डिमांड कौन से तेल की ज़्यादा आती है और किस में ज़्यादा आपको बचत होती है, कमाई किस में ज़्यादा होती है? देखिए बचत की बात तो ऐसे है कि जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचेंगे तो कमाई उसी में ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा सेल तो हमारी सरसों और पीली सरसों के तेल में रहती है, क्योंकि ये तेल वैसा तेल है जो रूटीन में लोगों ने खाना है और हर एक रसोई में इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये दूसरे दिन ख़त्म होता ही होता है। तो उसके बाद हमारी तेल की सेल रहती है नारियल के तेल की हमारी, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ अभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, पर उसके पहले हमारी सरसों को पीली सरसों के तेल की सेल ज़्यादा बढ़िया रही है। इसका जो रॉ मेटल आता है, जो हम रॉ सरसों लेके आते हैं, तो वो क्या इजीली मार्केट में मिल जाती है? अगर इजीली मार्केट में मिल जाती है तो क्या वो सही रेट में मिल पाती है? अगर वो सही रेट में मिल पाती है तो क्या उसी रेट को सस्टेंस रखते हुए क्या वही सेम रेट रहता है या फिर उतार चढ़ाव होता रहता है, तो फिर उसी हिसाब से आप कस्टमर को भी आप वही रेट दे पाएंगे? देखिए जैसे कि सरसों है वो कमोडिटी है, तो उसके तेल ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं, पर ऐसा है कि हम जैसे भी हमारी जो सरसों आती है हम बेसिकली राजस्थान से ही मंगवाते हैं, हम लोकल यहाँ के सरसों के इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि राजस्थान के सरसों की गुणवत्ता हमेशा से ऊपर मानी गई है। तो हम सरसों के रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं तो वो कस्टमर को भी मालूम है हमारे, अगर रेट हम बढ़ा के बताते हैं तो कस्टमर भी इस चीज़ को फील नहीं करता कभी, अगर बड़े रेटों में हम माल दे रहे हैं तो कस्टमर को पता है कि रेट बढ़े हैं तभी माल महंगे रेट में मिल रहे हैं। अच्छा, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहती है, जैसे कंपनी दावा करती है कि आप इतने घंटे में इतना निकाल सकते हैं या फिर 10 घंटे 8 घंटे काम करके आप इतनी पिराई कर सकते हैं, तो क्या सच में इतनी पिराई हो जाती है जो वो जो दावे करते हैं और जो बिजली का बताते हैं कि आपका इतना आपका बिल आएगा, यूनिट आएगा, या फिर वो सारी चीज़ें सच्ची हैं? कितना बिल आ सकता है और कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की आपकी मशीन है, तो वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। जैसे कि मेरे को 60-150 से ऊपर हो गया मशीन को यूज़ करते हुए, पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे से वादे किए गए थे कंपनी के द्वारा, वो उन बातों पे कंपनी पूरी तरह से खरी उतरी है। जो उन्होंने मेरे को प्रोडक्शन क्वांटिटी बताई है और जिस स्पीड से उन्होंने बताया था कि काम चलेगा आपका, तो काम तो वैसे ही चल रहा है हमारा, मशीन भी वैसे चल रही है, तो मशीन की तरफ से और उसकी क्वालिटी की तरफ से आज तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई है। हाँ अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि काम में मैं नया था तो उन्होंने अपने इंजीनियर का नंबर दे रखा है, मेरे को टेक्निकल टीम का नंबर दे रखा है, तो एक ही फ़ोन की दूरी पर वो हमसे बैठे हैं, जैसे हमको कोई दिक्कत आती है तो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं वो। हमारे सरसों की क्वालिटी, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम बिल्कुल सोटक्स क्वालिटी की सरसों का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे कि तेल की क्वालिटी की बनतर में बहुत फ़र्क आता है और तेल की क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। और अगर यही हमारे पास एक्सपेलर होता तो हमें इसमें सबसे पहले पानी ऐड करना पड़ता, तो यही इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना पानी के तेल को निकालती है। शुद्ध तेल निकलना शुरू हो चुका है, ठंडा है पूरा, बिल्कुल साफ तेल। देखिए अभी बिल्कुल सूखी सरसों से इसने तेल निकालना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठंडा तेल निकल रहा है। इसके नीचे सारा दिन हाथ रख के बैठ सकता हूँ मैं। और तेल की क्वालिटी देखिए, तेल की फिनिशिंग देखिए आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा और शुद्ध तेल और बिल्कुल ठंडा।
और ये पहली बार में ही फिनिश हो जाएगा, यानी कि खली हमें दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी इसकी, पहली बार के प्रोसेस में ही बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध तेल हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल पापड़ खल जिसको हम बोलते हैं, और जब ये खल किसी भी पशु को पड़ेगी पशु आहार के रूप में तो उसकी सेहत को भी बहुत अच्छा लाभ पहुँचाएगी। ये रॉ मेटल का जो कॉस्टिंग आती है पर केजी के हिसाब से या फिर क्विंटल के हिसाब से आपको कितने का पड़ता है, और फाइनल जो आउटपुट कस्टमर को आप सेल करते हैं वो कितने का करते हैं सर? देखिए रॉ मटेरियल तो ऐसा है कि जैसे आज का अगर सरसों की बात करें तो 6500 के नियर अबाउट काली सरसों का रेट चल रहा है, और 7500 के नियर अबाउट पीली सरसों का रेट चल रहा है अगर सोटेक्स क्वालिटी में रहे। अगर हल्की क्वालिटी में लेंगे तो 7000 में रेट भी मिल जाता है, पर हमारी इच्छा रहती है कि हम सोटेक्स क्वालिटी की ही यूज़ करें ताकि उसमें जो तेल निकले वो कस्टमर को अच्छा मिले। अच्छा, तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपना सेटअप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ योजना चलती रहती है, कोई सब्सिडी वगैरह की भी योजना मिलती है, तो इस हमारे पंजाब में भी कुछ ऐसी आपको स्कीम मिली या फिर कुछ फ़ायदा उठाया या फिर आपने अपने बजट के हिसाब से ही आपने मशीन आगे ली है आपने? देखिए वैसे तो सरकार हमारी पंजाब सरकार भी इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, पर जैसे मेरा बजट था तो मैंने तो मशीन अपनी कैश में लेना ही पसंद किया है। हाँ। तो पर हाँ ये ज़रूर है अगर किसी के पास कोई इस किसी भी तरह से रकम का इंतजाम नहीं हो पाता तो हमारी पंजाब सरकार है तो लोन भी प्रोवाइड करती है और उसमें से 25-35% तक की सब्सिडी भी अवेलेबल होती है। अच्छा। और इसका प्रोसेस भी ऐसे है कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट बात करेंगे तो वो भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, पूरा तरीके से अच्छे से आपको गाइड करेंगे और आपको पूरी मदद करेंगे, आपको लोन भी मिले और आपको मशीन भी दे पाएं वो। तो जरूरी नहीं कि हमारे जो व्यूवर हैं वो पंजाब से ही हैं, हमारे व्यूवर्स पूरे वर्ल्ड से हैं, ज़्यादातर हमारे इंडिया से हैं, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं, आप किस स्टेट से देख रहे हैं आप देखिए, जाँच पड़ताल कीजिए कि आपके अपने स्टेट में आपके अपने सिटी में कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, कौन सी आपको सब्सिडी मिल सकती है ताकि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। गवर्नमेंट भी लघु उद्योग को सपोर्ट कर रही है कि आप अपना खुद का जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कीजिए, तो अगर आप ये खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह की सक्सेस स्टोरी की मैं लड़ियाँ लेकर हमेशा आता रहूँगा जिन लोगों ने मशीन लगा रखी है। अब मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर जो लोग मशीन मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर ना जा करके जिन लोगों ने मशीन लगाई हुई है जो सच्ची घटनाएं हैं वहाँ पर, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में जाना पड़े हम वहाँ पर जाते रहेंगे और आपके लिए सफलता की कहानी हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी से कोई बिजनेस करें, आप देखिए जांच पड़ताल कीजिए, महीने दो महीने बहुत सारी हर तरह की हर बार लगभग एक या दो दिन में हमारी जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहती है, तो आपको ये जांच पड़ताल करनी है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, किस बिजनेस की लाइफ ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और डिमांड उसकी कम होती है, तो ऐसा बिजनेस बिल्कुल ही ना करें। बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। ऑयल का बिजनेस है दोस्तों, इसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहती है, कभी भी आप अपने सिटी में जाके देख लीजिए कि ऑयल एक्सप्लोर करने वाले कितने लोग हैं, फ्राई करने वाले कितने लोग हैं, सरसों का तेल निकालने वाले कितने लोग हैं, आपको बहुत ही गिने चुने आपको नाम मिलेंगे जो कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड है। तो आप अपना एक छोटा सा ब्रांड हमेशा छोटा नहीं होता, स्टार्टिंग में आपको छोटा होता है लेकिन जब फेमस हो जाता है तो आपकी कंपनी खुद की आप बड़ी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, FSSAI के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अपना खुद का जो ब्रांड है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यदि आप दोस्तों इस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भारत एग्रीटेक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, महाराष्ट्र में आपको लातूर में जाना होगा अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के आईडेक्स क्लास में हम कोने कोने में जाते रहेंगे और आपके लिए जो वीडियो है वो दोस्तों लेकर आते रहेंगे। मिलते दोस्तों और इनोवेशन क्लास में। थैंक यू सो मच सर, आपना इतना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। Thank you.